Sven Stokes clear a strike. Third man point covers. पॉइंट कवर्स, ये सारे फील्डर सर्कल में, चार खिलाड़ी सर्कल में, चारों ऑफ साइड पर यॉर्कर का करेंगे प्रयास, जूतों का साधेंगे निशाना ट्रेंट बोल्ट। और हमने देखा पिछले ओवर में जो आखिरी ओवर था मैच का, बढ़िया एग्जीक्यूट किया था यॉर्कर ट्रेंट बोल्ट ने दबाव में, क्या एक बार फिर एग्जीक्यूट कर सकते यॉर्कर तो डालने वाले ही है। और दोनों ही टीम्स के पास एक एक रिव्यू भी है और शायद हाथों में कुछ बचे हुए नाखून भी। ये बल्ला घुमाया है, यहां के फील्डर ऑफ साइड के फील्डर सर्कल में तो एक से ज्यादा चलेगा, क्या तीसरे की है उम्मीद, बटलर को थाम लिया और तीसरा प्राप्त हो भी जाएगा। एक गेंद तीन रन, बटलर के पास है स्ट्राइक। बेन स्टोक्स का दिन है आज, पहले गेंद में ही तीन रन, अब क्या करेंगे, फील्ड में तब्दीली। बटलर के लिए फाइनले का फील्डर पीछे रहेगा हमेशा, क्योंकि लैप शॉट खेलते हैं। डीप मिड विकेट में भी फील्डर होगा, क्योंकि डीप मिड विकेट में फील्डर होगा, लेकिन उंगलियों में नाखून नहीं बचेंगे, क्योंकि विश्व कप के इतिहास में 12वां एडिशन, पहला वर्ल्ड कप फाइनल सुपर ओवर के चलते होगा निर्धारित। तो 50 ओवर के खेल का विश्व विजेता थर्ड मैन को बीट करने की कोशिश करेंगे। या मिड विकेट की तरफ जोर से शॉट लगाया, मिलेगा मात्र एक रनिंग। तो दो गेंदों में आए चार रन, बेन स्टोक्स वापस स्ट्राइक पर। नीशम लॉन्ग ऑन में, एक और यॉर्कर, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कड़क शॉट है, क्या शॉट है, मिल गया चौका है। पहली गेंद पर तीन, दूसरी पे एक, तीसरी पे चार, बेन स्टोक्स कमाल के स्ट्रोक। बेन स्टोक्स इज ऑन फायर, पीछे है फील्डर लेकिन कोई मौका नहीं मार्टिन गप्टिल के लिए, ताकतवर शॉट। ये देखिए बढ़िया कोशिश लेकिन रोक नहीं सके लक्ष्मण, ये थोड़ा बहुत स्वीप स्लॉग है मैं कहूंगा इस बार फॉर रहे भाग्यशाली, क्योंकि चारों फील्डर सर्कल में थे ऑफ साइड के, 5 इंच इधर उधर, खाते में जुड़ जाता है चौका। कितने रन डिफेंड करना पसंद करेंगे इंग्लैंड, क्या भा मार सकते हैं जॉस बटलर। जबरदस्त यॉर्कर एक बार फिर, बेन स्टोक्स भागे और एक बार फिर गलत एंड पे गया है थ्रो, क्योंकि स्टोक्स के पास वो हेड स्टार्ट थी। तो नजर नहीं आता आखिरी बॉल, और ये गेंद गई है गैप में, चौका लगाया है और सबको चौंकाया है। 15 रन सुपर ओवर की 6 गेंदे, 2 चौके जड़ दिए, एक बटलर एक स्टोक्स। अब न्यूजीलैंड को पहली बार विश्व कप जीतने के लिए बनाने होंगे 16 रन और ये देखना पड़ेगा कि कौन ओपन करने वाला है, नीशम क्या गप्टिल या रॉस टेलर, देखना पड़ेगा ये। लेकिन फिर भी मिले 3 रन, उसके बाद ये सीधा फील्डर के हाथ में दी गेंद और एक वो स्वीप स्लॉग जैसा शॉट लगाया बेन स्टोक्स ने, जड़ दिया चौका। फिर एक सिंगल आया, यहां भाग्यशाली रहेगी गेंद गैप में नहीं गई, यहां सूरज के चलते एक के बदले मिले 2, क्योंकि फील्डर को नजर नहीं आई थी गेंद। और आखिरी गेंद पर जड़ दिया जॉस बटलर ने, एक और चौका इस ओवर का दूसरा और टीम के टोटल को ले गए 15 पर। सुपर ओवर दूर है इंग्लैंड के सुपर हीरो बनने के लिए। न्यूजीलैंड चेस करेगा इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, या यही होता है फाइनल, एक ही मैच में आपने दोनों चीजें देख ली, एक बार इंग्लैंड ने चेस किया और अब न्यूजीलैंड चेस करेगा, चाहिए क्योंकि वो एक दिन अपने सीट से हिले नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल हो तो ऐसे हो, पिछले मैच मार्टिन गप्टिल साथ में जिमी नीशम, नीशम ने इस विश्व कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो की है, लेकिन क्या आज वो 6 गेंदों में भाग्य
बदल पाएंगे। मार्टिन गप्टिल जो बतौर फील्डर तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। बिल स्टोक्स छह गेंदे 16 रन जोफ्रा के सामने, कप्टिल और निशा राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, क्रिकेट की जीत हुई है आज। यहाँ पे दोनों टीमों ने प्लेयरों के जहन में क्या चल रहा होगा, और ये मात्र 5 या 7 मिनट की बात है, हमें वर्ल्ड कप का विजेता मिल जाएगा। सिंगल हैंडेडली इस मैच को इंग्लैंड के पक्ष में पलटा है जोफ्रा आर्चर। राउंड द स्टंप्स, स्ट्राइक कप्तान नहीं, स्ट्राइक है जिमी नीशम के पास। इंग्लैंड का पलड़ा भारी, जोफ्रा आर्चर। तो लीजिए, 6 बॉलों में 16 रन चाहिए न्यूजीलैंड को इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और इंग्लैंड का भविष्य जोफ्रे आर्चर के हाथ में। अच्छी गेंद, वाइड सिग्नल दिया गया। तो शुरुआत से पहले 15 रन सरी एंड से, और एरास्मस दूसरे छोर से बहुत बेहतरीन अंपायरिंग की है। 1 ही रन मिलेंगे दूसरे रन के लिए। वापस आए गुप्तिल, बेहतरीन रनिंग, पहुंच पाएंगे जिमी निशम। 5 गेंद, निशाना बनाना है। फील्डर 5 रन चाहिए 3 गेंदों पर। 3-4 फील्डर ऑफ साइड पे, शॉर्ट थर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, कवर सारे रिंग के अंदर। क्या ये बॉल जिमी निशम ऑफ साइड पे मारने को देखेगा? यॉर्कर तो एक भी एग्जीक्यूट हुई नहीं है अगर पहली गेंद को छोड़ दे तो। और लेंथ पे गेंदें गिर रही हैं, और एक और लेंथ पे गिरी तो फिर डिपॉजिट होगी वो पहले या दूसरे टियर में मिड विकेट के ऊपर से। ये अच्छा शॉट है पीछे, जेसन रॉय है, एक बार फिर 2 रन लेंगे, एक बार फिर 2 रन लेंगे और मिलेंगे भी। अब 2 गेंदों पे चाहिए 3 रन, यही तो मंत्र था जब बेन स्टोक्स कर रहे थे बल्लेबाजी। 2 गेंदे 3 रन, वी हैड अ टाई। बेहतरीन, और क्या क्रिकेट खेली है इस टीम ने इस वर्ल्ड कप में। छोटे से देश से आते हैं कम लोग, और इससे रोमांचक वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। हर गेंद, हर ओवर, हर सेशन उन्होंने कंप्लीट की है। 3 रन चाहिए 2 गेंदों पर। सबने सोचा था कि विलियमसन आएगा, रॉस टेलर आएगा, लेकिन जिमी नीशम, और इस वर्ल्ड कप के सबसे खराब फॉर्म से गुजरता हुआ गुप्तिल। ये देख नहीं सकती, बहुत सारे लोग देख नहीं सकते, इनको बता दे रही है कि क्या हो रहा है। तो देखना चाहते नहीं है, आंखें एकदम बंद है और लबों पर दुआ है कि मेरी टीम जीत जाए। एक और यॉर्कर, क्या गिरेगी ठिकाने पर? शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल, और 1 ही रन मिलेगा, नहीं मारना है थ्रो, यानी कि आखिरी गेंद 2 रन। यही तो कहानी, एक बार फिर वही कहानी, यही हुआ था इंग्लैंड के साथ, आखिरी गेंद पे मिला था एक, और एक सुपर ओवर नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता दादा, दैट्स अबाउट इट। अगर 1 रन आता है इस गेंद पर तो इंग्लैंड ये मैच जीतता है। और स्ट्राइक पे है मार्टिन गुप्तिल, जिसने एमएस धोनी को रन आउट करके न्यूजीलैंड को फाइनल पे पहुंचाया था। तो क्या इस गेंद पर 2 रन वो बना सकते हैं? अगर सुपर ओवर में भी होता है स्कोर बराबर तो फिर टाई नहीं है, फिर जिसने सबसे ज्यादा चौके लगाए अपनी पारी और सुपर ओवर को मिलाकर। इंग्लैंड ने ज्यादा चौके लगाए हैं तो फिर न्यूजीलैंड बल्ले
से करना होगा संपर्क। भाग्य का साथ भी किश्तों में मिला है वैसे आज न्यूजीलैंड को। 6:30 बजे इस समय न्यूजीलैंड में सुबह के, वहां पे तो सूर्य उदय हो रहा है। क्या ये टीम भी अपने एक नए युग का आरंभ करेगी आज? एक गेंद दो रन से, चलिए आखिरी गेंद दो रन। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 लॉर्ड्स। अच्छा शॉट पीछे, फील्डर दो की मांग, कच्चा थ्रो, मन ऑफ द चांस, इंग्लैंड। सुपर ओवर भी हुआ है टाई, लेकिन नए विश्व विजेता वो है इंग्लैंड, एक टीम जिसने 4 साल की मेहनत, बिग बैन का काम कर दिया धमाल। रिव्यू के लिए जरूर गए हैं तीसरे अंपायर। ये खेमा बता रहा है कि पहली बार विजिटिंग ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई टीम लॉर्ड्स के फाइनल में जीती नहीं। रिएक्शन देखिए दोनों टीमों का। ये है न्यूजीलैंड, क्या शानदार क्रिकेट उन्होंने खेला है इस वर्ल्ड कप में। और ये है इंग्लैंड, पहली बार विश्व कप जीता है और एक रन आउट के ऊपर। थैंक यू, आई मेड माय डिसीजन। यहां पे वो आएंगे 3 अक्षर OUT, यानी कि मैच हुआ टाई, लेकिन टाई नहीं, हमें मिला है नया विश्व विजेता। इंग्लैंड फास्ट ट्रैक किया जोफ्रा आर्चर को, उन्होंने निभाया एक बड़ा किरदार। क्रिकेट के महाकुंभ में देखे हमने नए नायक, एक तरफ निराशा है, थोड़ी सी हताशा है, दूसरी तरफ जीत की आशा, एक नए युग की शुरुआत की आशा। बिल्कुल, पहली बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है 1979 के बाद 87 के बाद 92 के बाद 2019 पे अपने घर पे लॉर्ड्स पे एक बहुत बड़ा जीत। 2011 में भारत ने जीता अपने देश पर, 2015 ऑस्ट्रेलिया और 2019 इंग्लैंड। क्या प्रेशर से गुजरे होंगे। और यहाँ पर भी अच्छा कलेक्शन, दारा बढ़िया थ्रो, सही जगह पे थ्रो, और फिर ये है हर्ष उल्लास। इसी मोमेंट की, इसी लम्हे की लगाई थी आज पिछले 4 साल से ये चेहरे, ताकि इंग्लैंड ये मैच से बाहर है। बेन स्टोक्स ने शानदार पारी खेली और इस टीम को वापस लाया। और ये देखिए ड्रेसिंग रूम देखिए, उनको पता था कि 2 रन चाहिए उनको वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर रह गए। इतना समय, इतना एफर्ट।